तेरे साथ तो ये देखिए दोस्तों, ये दीवार गिरवा रहे यह डीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, सॉरी फरीद अहमद खान जी खुद रहकर अभी भी समय है आप लोगों के पास, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आप लोग में है। ये लोग जितने भी दिख रहे हैं ये सब हम सब के नौकर हैं, हमारे साहब नहीं हैं, इस बात को समझिए। चाहे वह तहसीलदार महोदय हों या फिर कोई भी पुलिस वाला, क्योंकि इनकी तनख्वाह कहीं और से नहीं जाती है, इन सब लोगों की तनख्वाह हम लोगों के जेब से जाती है। तो आज यह नौकर अगर गलत कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह है कि आपका चुप रहना, आपका डर, क्योंकि जब आप लोग आवाज उठाएंगे तो ये सब अपने आप अपने जगह पर आ जाएंगे जो इनकी जगह है। क्योंकि नौकर को जब तक आप लोग सर पे बिठा के रखेंगे तब तक इसी तरह से होता रहेगा। और ये आ गया JCB, लाइव वीडियो चालू रखिएगा दोस्तों। ये देखिए देखिए ये देखिए तहसीलदार महोदय जी जा रहे हैं JCB मंगवाकर अब दीवार को गिराया जाएगा। शेयर करते रहिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। हमारे YouTube पर जाइए, हमारे चैनल PNS आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल अभी यहीं पर देखिए कितने पुलिस फोर्स लगी हुई है। आज यह जो कुछ भी हो रहा है यह सब किसी और के सरकार में नहीं, योगी जी के सरकार में हो रहा है। जिनको ये लग रहा है कि हम अखिलेश जी से जुड़े हुए हैं तो अपना भ्रम निकाल दीजिए सरकार। आप लोग इस भ्रम में मत जिंदगी पालिए, क्योंकि इसके चक्कर में आप लोग खुद एक दिन शिकार हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों का आवाज़ उठाना।
ये देखते रहिएगा आप लोग, शेयर करते रहिए और यह साक्षात जबरदस्ती हो रही है और देखते रहिए क्या ड्यूटी कर रहे हैं। वाह क्या किया गया आपको, मारा मान तो रहे नहीं। अरे भाई हम आपको क्या कह रहे हैं, हाईकोर्ट के हम आपको कुछ कह रहे हैं अभी बच्चे ने हाईकोर्ट का पालन वो नहीं। फिर भाई हम आपको कुछ कह रहे हैं वीडियो बनाने नहीं, तो वीडियो आपको दिक्कत क्या वीडियो से हाँ, बड़ी अजीब बात है। ये देखिए अभी जो नागेंद्र गौड़ जी हैं, ये SI नागेंद्र गौड़ जी हैं, ये कह रहे हैं और सही भी यही है कि ये देखिए ये हो रहा है इन योगी सरकार में, किस भ्रम में आप लोग जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि योगी जी की सरकार बहुत कड़ी है तो इस बात को समझिए, यह जिस जमीन को जबरदस्ती गलत साबित करके गांव की चलाई हुई दीवार को गिराया जा रहा है, इस जमीन का माप एक बार हो चुका है उसी जय पर। आप लोग देखते रहिए, तो देखिए ये देखिए अभी हम ध्यान दिए, ये देखिए अब सोचिए कि पब्लिक को यहाँ से हटाने का क्या मतलब है। हालांकि ये नहर के उस पार हैं लेकिन वहाँ से भी पब्लिक को डंडे के बल पर हटाया जा रहा है। देखिए सिपाही महोदय उस पार चले गए, यह दहशत भी केवल उन्हीं के लिए है कि जो लोग शरीफ हैं ईमानदार हैं, नहीं तो सोचिए कि यह नहस के उस पार लोग देख रहे थे, इनकी गलतियों को कोई ना देखे, लोगों के अंदर दहशत हो, इसीलिए तो यह फोर्स बुलाया गया था। और आज उसका नतीजा आप लोग खुद देखिए कि जो बेचारे देखने का प्रयास कर रहे थे नहर के उस पार से, वहाँ से भी वो हटा दिया गया है। देखिए लोग वहाँ दिख रहे हैं ना, सोचिए ये हो रहा है योगी की सरकार में कि जिससे सुरक्षा हमको पानी चाहिए उसी से आज हम डर रहे हैं। क्यों? सवाल इसलिए उठता है कि हमारी सुरक्षा के लिए ही ये सब बनाए गए हैं। जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, साथ नहीं देंगे, हमारा तो शायद आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आपको दूसरा कोई आवाज उठाने वाला न मिले। जब आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे तो ये लोग खुद ही समझ जाएंगे
कि जनता की ताकत कितनी बड़ी होती है। तमाशा आज आप लोग देख रहे हैं, कल आप लोगों का तमाशा कोई देखेगा। हमारा क्या है, हमारा तो वैसे भी यहाँ कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। यह लड़ाई तो एक मान सम्मान की है, सच और झूठ की है। ये देखिए आप लोग, ये हो रहा है। कोशिश कीजिए, फटाफट शेयर करते रहिए, एकदम शेयर करते रहिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। कम से कम एहसास तो हो कि हाँ, जनता में सबसे बड़ी ताकत होती है। अब इससे बढ़िया जरिया आपको कोई नहीं मिलेगा। तो शेयर करते रहिए, आप लोगों के बीच और जितनी भी वीडियो हैं, घटनाएं हो रही हैं, सब लाइव आता रहूंगा। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल PNS आवाज से जुड़िए। YouTube पर जाइए और PNS आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। अभी जो भी हो रहा है आगे आपको वीडियो दिखा रहा हूँ।